जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। अक्सर हमने ये देखा है कि जब हम किसी तकलीफ में होते हैं, हम जब किसी बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं, या हमारे इर्द गिर्द कोई नेगेटिव पर्सन होता है जिससे हमारा रिश्ता जुड़ा होता है, तो हमारे जो साथ वाले लोग होते हैं ना, वो कोई अच्छी राय देने के बजाय, कोई सही बात समझाने की बजाय हमें हमारी गलतियों पर हमेशा पिन करते रहते हैं। तुम्हारी ये गलती है, तुम ऐसा करते हो, उस व्यक्ति में ये कमी है, तुम्हें ये चीज़ करना नहीं आता, तुम कुछ नहीं संभाल सकते। कोई भी ऐसा हमारे इर्द गिर्द व्यक्ति नहीं होता जो हमें सही राह दे सके। या चीज़ तो खराब है ही है, कमियां तो हम में है ही हैं, तभी तो हम सही तरीके से अपने जीवन में खुशियां नहीं पा पा रहे। ये बात किसी को समझ क्यों नहीं आती? किसी की गलतियों पर उन्हें आईना दिखाने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर उन गलतियों को रबर से मिटाने वाले क्यों नहीं होते? इंसान गलतियां करता है ये तो हम बैठकर बहुत आराम से डिस्कस कर लेते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ, नहीं तो फोन पर घंटों बातें करके किसी की बुराई करना बड़ा आसान है। पर कभी क्या हमने उस व्यक्ति से ये पूछने की कोशिश की कि वो गलतियां कर क्यों रहा है, क्या रीजन है कि वो मजबूर हो गया है उन गलतियों को बार 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 करने के लिए? हम जज तो बहुत अच्छे बन जाते हैं किसी की जिंदगी को लेकर, किसी के रिश्तों को लेकर, किसी की अच्छाई और बुराई को लेकर। हम अच्छे अध्यापक क्यों नहीं बन पाते, किसी को सिखा क्यों नहीं पाते कि बेटा ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है। क्यों हम छोटी छोटी चीजों को लेकर किसी की बातें उछालने का काम करते हैं, उसकी हंसी उड़ाने का काम करते हैं? कमियां तो कहीं ना कहीं हम में भी है ना, और ये तो सबसे बड़ी कमी है जो हम किसी की बुराई कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई कमी नहीं होती। पर आपने कभी सोचा है इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? जब कोई आपको बार 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 पिन करता है, आपकी गलतियों का आपको एहसास दिलाता है, आपको ये बात बार बार चुभाई जाती है कि आप किसी काबिल नहीं हो, आपके अंदर कुछ करने की क्षमता ही नहीं है, आप व्यर्थ हो, और आप जबरदस्ती उनकी जिंदगी में थोप दिए गए हो, और इस व्यर्थ की गठरी को उनको अपने सिर पर इसलिए लादना पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, वो अपने आप में एक पुण्य आत्मा है, इसलिए ये व्यर्थ की गठरी वो उठाकर फेंक नहीं सकते। ये बात अलग है कि इस व्यर्थ की गठरी को वो दिन में हजार बार कोस सकते हैं, उसके लिए उनकी आत्मा उन्हें कचोटती नहीं है। बात बहुत सिंपल है, जब कोई आपको दिन रात टीस करे, आपकी गलतियों के ऊपर बार बार आपको हर्ट करे, जब आपका वक्त बुरा चल रहा हो, ग्रह नक्षत्र ऑलरेडी आपको पीड़ाएं दे रहे हो, राहु जब आपकी कुंडली में सारी चीजों को उल्टा कर दे रहा हो, मंगल जब आपकी बुद्धि को, आपके कॉन्फिडेंस को कम कर आपको किसी भी चीज को अच्छे से करने ना दे, गुरु आपके मैनेजमेंट को जब खराब कर दे, शुक्र आपकी किसी भी चीज के अंदर थोड़ा सा भी ग्लैमर ना आने दे, चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर बैठकर आपको किसी के सामने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन ना करने दे, और सूर्य आपको बलवान ना बनने दे, तब ऐसी कंडीशन में आपको किसी की बुरी बातें और कितनी बुरी लग सकती हैं, ये मैं बहुत अच्छी से समझ सकती हूँ। ग्रह नक्षत्रों की मार से तो इंसान किसी तरीके से कोई उपाय करके, कोई पूजा पाठ करके, ईश्वर का ध्यान करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बुरे वक्त में जब कोई आपको बुरी कड़वी बातें कहता है,
एक तो हम ऑलरेडी बहुत बुरे फंसे हैं, हमारे साथ कुछ बहुत गलत हो चुका, हमारा कोई पैसा लेकर बैठ गया वो वापस नहीं कर रहा, हम पहले ही इस बात से टेंशन में हैं, और इस बात पर कोई रास्ता दिखाने की बजाय, सही सपोर्ट करने की बजाय हमें और ज्यादा बार बार ये पिन करे, देखा मैंने मना किया था ना मत करना ऐसा, देखा करी ना तुमने गलती, ऐसी बातें उस वक्त तोड़ती हैं जोड़ती नहीं हैं। ऐसे वक्त में हमें किसी के एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सिर्फ इतना सा कहना कि हम हैं, तुम करो, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वक्त आता है चला जाएगा, ये शब्द अपने आप में अमृत होते हैं, संजीवनी का काम कर देते हैं, डूबती हुई नैया को पार लगा देते हैं। आपके पास अगर सिर्फ कड़वा बोलने वाले हैं, सिर्फ उल्टा ही बोलने वाले लोग हैं, दिन रात सिर्फ आपको उल्टी बातें ही बताने वाले लोग हैं, तो मेरी जान आज का उपाय आपके लिए है। क्या करना है आपको बताऊंगी ना, लेकिन इससे पहले ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। जब आपको लेकर लोग बहुत ज्यादा गलत बातें बोले आपके मुंह पर या आपके पीछे, तो आपको दो चीजों को सही करना बहुत जरूरी हो जाता है। पहली चीज, आपको अपने हाथ से काले रंग की चीजें किसी को भी दान नहीं करनी। आप पक्षियों को कुछ भी खिलाइए, लेकिन काले चने और काले तिल बिल्कुल मत खिलाइए। दूसरी चीज, आपको सुबह सवेरे उठकर बिना ईश्वर का नाम लिए, बिना दिया जलाए, बिना अगरबत्ती धूप किए अन्न का दाना अपने मुख में नहीं लेना। बात बहुत छोटी सी है, पर अगर आप करके देखेंगे आपको बदलाव खुद समझ आएंगे। अब आती हूं मैं उन बच्चों के ऊपर जिन्हें हमेशा बुरा ही सुनने को मिलता है, चाहे वो घर के सदस्य हों, चाहे वो बॉस हों, चाहे वो काम करने वाले साथ में लोग हों, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो उनके अपने बच्चे हों, माँ बाप हों, भाई बहन हों, उन्हें हमेशा ही गलतियों पर टोकते हैं, कभी हाथ पकड़कर गलतियां सुधारते नहीं। तो ऐसे बच्चे इन उल्टी बुद्धि वाले लोगों को कैसे एक उल्टे लोटे से ठीक करेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट तो ठीक है ना, अगर आपके नॉर्थ वेस्ट में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपके कोई ऐसी चीज रखी हुई है जो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे कि टूटी हुई मूर्तियां, जैसे कि वहां पर आपको किसी भी तरह के जानवर की फोटो या उनका स्टैचू नहीं रखना, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपको बंद पड़े हुए घर के कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं रखने, मोबाइल, घड़ी, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, खराब नहीं होना चाहिए, चलती हालत में होगा चलेगा। आपको नॉर्थ वेस्ट में बिना बजाए कोई वादन नहीं रखना है, आपके घर में गिटार है, केसियो है, हारमोनियम है, ढोलक है, आप इसे रेगुलर बजाते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में रखिए, नहीं बजाते हैं तो नॉर्थ वेस्ट से तुरंत हटा दीजिए, वरना आपको पीड़ाएं होंगी ही होंगी। और पीड़ाएं कैसी होंगी, जैसी अभी मैंने आपसे डिस्कस करी है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूं कि आज आपके लिए मैं क्या अचूक उपाय लेकर आई हूं। वैसे तो हम बहुत सारे उपाय करते रहते हैं अपनी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार ना करे उसके लिए, क्योंकि मैं एक चीज पर बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, अगर इंसान मन से मजबूत है तो उसे तन से कोई नहीं हरा सकता। तो आज आपके मन को मजबूत बनाने के लिए आपको ये उपाय कर लेना है, ये उपाय आपको शुरू करना है शुक्रवार से, और लगातार इसे आपको 5 दिन करना है। आपको एक कटोरी के अंदर साबुत नमक ले लेना है, जिसे हम पाकिस्तानी नमक भी कहते हैं, आपको वो नमक एक डली कटोरी में रख देनी है, उसके ऊपर आपको एक लोटा उल्टा करके रखना है।
आपको 2 लाल मिर्च लेनी है सूखी हुई, डंठल सहित लीजिएगा, और आपको 7 बार उस लोटे पर से उस लाल मिर्च को घुमाते हुए अपनी मनोकामना बोलनी है। और मनोकामना कैसे बोलेंगे, जो भी मेरे लिए उल्टा सोचता है वो मेरे लिए सीधा हो जाए, जो मेरे लिए गलत विचार अपने मन में लाता है उसके विचार अच्छे हो जाएं, जो मेरे लिए नेगेटिव है वो मेरे लिए पॉजिटिव हो जाए। ऐसा बोल के आप ये लाल मिर्च जो है वो बाहर ले जाकर जला देंगे। एक बात ध्यान रखिए, मैं बताना भूल गई हूँ, सॉरी, अब बता रही हूँ। ये कार्य आप तब कीजिएगा जब आपके घर के सारे सदस्य सो जाएं। इसके बाद आपके घर का दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। लाल मिर्च आप घर के बाहर जला देंगे, अगर आपके पास छत या बालकनी है तो वहां जला दीजिए। रात भर ये उल्टा लोटा नमक के ऊपर रखा रहेगा। अगले दिन आपको इसी लोटे के अंदर जल भरना है और आपको किसी कांटेदार वृक्ष में ये जल चढ़ा देना है, और ये जो नमक है ना, इसे आपको साउथ दिशा में, आपके घर के गेट पे खड़े होइएगा, वहां से जो दक्षिण दिशा होगी वहां ले जाकर इसे फेंक दीजिएगा। लगातार 5 दिन आपको ये काम करना है। अब लड़कियां कहेंगी हम पीरियड्स में कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ से रिलेटेड कोई काम नहीं है इसके अंदर, छोटा सा टोटका है, आप कर सकते हो, करके देखिए। उल्टे से उल्टा व्यक्ति भी सीधा हो जाएगा, और सीधा हो जाएगा तो आप मुझे तो जरूर बताओगे ना मेरी जान। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है तो आप सावन में गौरी रुद्र अभिषेक कराइए, साथ में आप इनका पूजन कर अपने घर गृहस्थी में, अपने जीवन में प्रेम की बढ़ोतरी करिए। कहते हैं कि जहाँ पर दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। अगर आपको या आपके घर में किसी अपने को असाध्य रोग ने घेर रखा है तो आप सावन में भोलेनाथ का महामृत्युंजय अभिषेक करवाइए, और अपने घर में या आपके जीवन में अगर ये रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है तो इससे हमेशा के लिए मुक्ति पाइए। महामृत्युंजय अभिषेक महामृत्युंजय मंदिर में किया जाएगा, जो भारत में एकमात्र जगह पर है। आप भी अगर अपने प्रेम को लेकर बहुत दुखी हैं, कोई छोड़कर चला गया है, उसे वापस बुलाना चाहते हैं, या आपके जीवन में प्रेम विवाह में अड़चने आ रही हैं, कोई भी प्रेम संबंधी दिक्कत है, तो आप सावन में गौरी शंकर अभिषेक कराइए। आपके बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चों की उन्नति नहीं हो पा रही है, किसी ना किसी वजह से उनके जीवन में अड़चने आ रही हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम सक्सेस नहीं हो पा रहे, या गवर्नमेंट जॉब में तकलीफ में आ रही हैं, घर बैठे अपनी इन समस्याओं का समाधान पाइए। सावन में गणेश जी का आप अभिषेक करवाइए। गणेश अथर्वशीष के 108 पाठों से अभिषेक कराकर अपनी इन समस्याओं से निदान पाइए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, हमसे संपर्क करके अपनी किसी भी समस्या का समाधान तुरंत पाइए। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपनी भविष्यवाणियों के जरिए माँ त्रिशला लोगों को करियर, बिजनेस, प्रेम संबंधी, शादी में बाधा, कोर्ट केसेस और शत्रु बाधा, वशीकरण, वास्तु दोष आदि समस्याओं का सही निवारण बताती हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपके संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष उत्सवों एवं संस्कारों पर किए जाने वाले संगीतमय मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान, हवन, पाठ आदि कर्मकांड मन मोह लेने वाले होते हैं। माँ त्रिशला लाखों लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए उनकी समस्याओं का प्रभावशाली निराकरण कर रही हैं। आप अपनी सारथी माँ त्रिशला से वेबसाइट www.astrotrishla.com पर या फेसबुक के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए जुड़ें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो त्रिशला या डायल करें 9828923301 पर।